हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गवर्नमेंट। आई एम स्पीकिंग राजेश कौरी। मैं एक ऐसी शिक्षाविद की बाल हस्ती के साथ रूबरू कराने जा रहा हूँ जो BBS एजुकेशन ग्रुप के निदेशक आदरणीय मेरे गुरुदेव दिलीप जी भारद्वाज जी सर। आप जानते हैं कि सर की क्या जर्नी रही है, क्या स्ट्रगल उन्होंने किया है। और गुरुदेव, वैसे आपको पता होगा कि ये मारवाड़ क्षेत्र से आकर थली क्षेत्र जो पल्लू बैठ पे आकर उन्होंने शिक्षा की जो अलग जगाई है, वाकई में एक काबिल तारीफ है। और वह ब्रह्माणी के पावन धरा पर आकर उन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों को अपनी जो मंजिल तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो दिलीप जी सर का ही जाता है। और इसके नेतृत्व में और बता देता हूँ कि BBS स्कूल एक बार स्टेटों पर भी रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस स्कूल की ये है कि यहाँ पर नोद्य विद्यालय कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पर कोचिंग करवाई जाती है, जो राजस्थान से अपने आप में एक यहाँ पर एक रिकॉर्ड है कि अब तक 125 बच्चों से अधिक विद्यार्थी का चयन भी हो चुका है। और वो विभिन्न प्रकार के जो भारत के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जैसे यहाँ जो पढ़ने वाले जो अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर, बोले लेक्चरर, अध्यापक, पुलिस और इत्यादि, बैंकिंग, डिफेंस में विभिन्न पदों पर आज आसित है। और सर से अपन एक बार बातचीत करेंगे और जानते हैं अपने इस एजुकेशन ग्रुप के बारे में, उन्होंने कैसे यहाँ पर स्ट्रगल करके इतनी बड़ी जो एक वाटर पार्क के रूप में बनाया है। तो सबसे पहले सर, फिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। हाँ, नमस्कार राजेश स्वामी, आपका BBS एजुकेशन ग्रुप में आपका मान सम्मान इज्जत और सत्कार। नमस्कार गुरुदेव, में आपको पहला क्वेश्चन है कि आप अपना परिचय बताइएगा, क्योंकि इस फील्ड में आप अधिकतर लोग आपके बारे में वैसे जानते तो है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा। वैसे मैं जोधपुर के पास में ग्रामीण अंचल में मेरा जन्म है, मारवाड़ से खराबेरा पुरोहितान, और मैं ग्रामीण आश्रम में मेरी शिक्षा आरंभ की थी गांव के अंदर ही। और उसके बाद मेरे नज़दीक जोधपुर में मैंने शिक्षा का आरंभ किया। तो मैं मूल रूप से जोधपुर जिले से खराबेरा पुरोहितान का रहने वाला हूं। सर, एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि आप मारवाड़ से चलकर यहां पे जब कुल्लू में आए थे, उस टाइम मुझे पता है कि शिक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो एकदम लो था, लेकिन आपके मन में ये विचार कब आया और क्यों आया कि इस कुल्लू में आकर अपन पहली बार स्कूल की ओपनिंग की जाए? ऐसा है राजेश जी कि इंसान को अपने कामयाबी हासिल करने के लिए संघर्ष, परिस्थितियां और कई प्रकार के आत्मबल लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है, हर विपदाओं को झेल करके। मारवाड़ आंचल में मेरे पिताजी किसान थे, तो मेरी आशाएं मैं आगे बढ़ने के लिए मैंने सोचा कि भाई एक शिक्षा का ऐसा मार्ग है जो मानव की जुड़ी को सुधारता है, और मानव को हितकारी के देखते हुए कि मैंने अच्छे कर्म और अच्छे बच्चों का भविष्य को देखते हुए मैंने शिक्षा का मार्ग चुना। और यहाँ कुछ मेरे जान पहचान की वजह से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। स्टार्ट में जब आपने ओपनिंग की थी यहाँ पर आकर, तो कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको वैसे, या फिर आप बोल रहे थे मेरी जान पहचान की, तो फिर ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं आई आपके सामने? चुनौतियाँ इंसान के साथी हैं, हर चुनौती को, हर परिस्थिति को, हर संकट को हमने बहुत झेला है, क्योंकि मैं जमीन से उठा हुआ इंसान हूँ और हर संकट को मैंने झेल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा है वो मेरे पिताश्री से सीखी। मेरे पिताजी एक महान किसान थे जिन्होंने हमेशा यही कहा, बेटे कामयाब होने के लिए संघर्ष जीवन के अंदर अति जरूरी है। तो मैंने संघर्ष को हमेशा ही झेला है और चुनौतियों को भी स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने की सोची। जी सर, एक और क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर, आप अधिकतर मन संचालन करते हुए दिखाई देते हैं और आपका कोई वैसे राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। अधिकतर मन संचालन कोई भी राजनेता हो उनके आप भी की जाते हैं। हाँ राजेश जी, बात आपकी सही है कि मैंने राज्य स्तर, केंद्र स्तर लगभग मंच का उद्घोष किया है, संचालन किया है। तो मेरे फेवरेट माननीय बड़े भाई साहब अशोक जी गहलोत है,
जिनके काफी बार मैंने मंच का उद्घोष भी किया और वैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का भी किया और राहुल जी का भी किया और अन्य सामाजिक संगठन है और भी काफी है, मैं वैसे करता रहता हूँ और भारत के लिए। राहुल जी और इनके अशोक गहलोत जी के आप तक कितनी बार कर चुके हैं? राहुल जी के दो बार ही किया है मैंने, एक सरदार शहर और एक बीकानेर में राहुल जी का, और अशोक जी का 25 बार कर चुका हूँ। गुरुदेव एक बात और आती है, क्योंकि अपने जो स्कूल की एक विशेषता और, क्योंकि आप भी राजस्थानी भाषा से बहुत लगाव करते हैं और एक राजस्थानी भाषा का जो जहाँ पर साहित्य विषय है वो भी हमारे स्कूल के अंदर है, अवेलेबल है, और आपने भी बड़े चाव के साथ राजस्थानी भाषा को पढ़ाया है। लेकिन एक बात ये आती है कि राजस्थान भाषा को अब तक 8वीं अनुसूची के अंदर क्यों नहीं डाला गया? इसके पीछे क्या कोई अलग कोई स्टंट है या फिर राजनीतिक स्टंट है या फिर कुछ और? देखो जी, कि राजस्थानी मायर भाषा है, हमारे रोम रोम के अंदर बसी हुई है और इस भाषा के अंदर बड़ा मिठास है, तो काफी संघर्ष किया है, काफी वर्षों तक संघर्ष किया है कि इसको 8वीं वरिष्ठता सूची का दर्जा दिया जाए। हमारे आदरणीय गुरुदेव देव कृष्ण जी राजपुरोहित साहब ने भी दिल्ली के अंदर बड़ा पड़ाव डाला था, धरना दिया था, आश्वासन भी मिला, लेकिन राजनीतिक कारणों से अभी तक ये मान्यता अटकी हुई है। संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी राजस्थानी मायड भाषा को 8वीं सूची में दर्जा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी पर आशा है, इस बार तो नहीं लेकिन अब आगे भी हम आशा करते हैं कि इसको जल्दी ही राजस्थानी भाषा को 8वीं वरिष्ठ सूची में जोड़ करके मान्यता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है सर गुरुदेव की, आप जब भी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार, तो आपका एक व्यवहार, आपकी जो मुस्कान, आपकी जो मीठी जो मधुर आवाज, आप लोग हर आपके फैन बन जाते हैं हर कोई इंसान, और इसके पीछे क्या राज है? ये जन्मजात के गुण होते हैं, खून में होते हैं। नहीं मतलब क्या आप बोलते हैं कि भी इतना प्रभावित कर लेते हो और वो हमेशा आपकी आलोचना नहीं वो प्रशंसक के रूप में मुझे दिखाई देता है, वैसे आपके आलोचक बहुत कम है। कर भला तो होत भला, वैसे ये इंसान के व्यवहार पर जीवन लीला टिकी हुई है, व्यवहारिक होना अपने जीवन के अंदर अति जरूरी है और मतलब ये खून के अंदर ही होती है, ये अपनी अदाएं और कलाएं अलग अलग की, हर इंसान की अलग अलग होती है। नहीं वैसे माना जाता है कि एक आलोचक होते हैं वो एक शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन आपकी कोई आलोचक है ही नहीं फिर शुभ चिंतक? आलोचक ऐसा है कि मैं न कहू से बैर वो न कहू से ऐसा, वो कहते हैं ना कि हम किसी से मन मुटाव रखना या ईगो रखना या अहंकार रखना, ऐसी भावना मेरे हृदय में मेरे खून में ही नहीं है, सब मैं समान दृष्टि से देखता हूँ। 36 कौम आज मेरा मान सम्मान इज्जत और सत्कार कर रही है, तो ये बड़ापन है 36 कौम का, ये इंसान के व्यवहार पर डिपेंड होता है कि इंसान के किस उद्देश्य का है, कैसा स्वभाव है, कैसा इस पर क्या है कि इंसान को खुद को ये खून में गुण होते हैं। बिल्कुल सर, वैसे आप राजस्थान भाषा से वैसे लगाव तो रखते हैं और आप राजस्थानी भाषा के अंदर वो फिल्मों भी अभिनय कर चुके हैं, तो वो एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए कौन सी फिल्मों में आप अभिनय कर चुके हैं और आपको क्या कौन सा रोल आपको मिला? टेढ़ा पर्सन है। क्या हुआ कि मैं राजस्थानी फिल्मों में जाने का प्रयास किया, सु अवसर भी मिला, लेकिन भाग्य ने करवट बदल दी और वो मेरा सपना है वो अधूरा रह गया। वरजोड़ी रोहतक एक फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन वो फिल्म अधूरी रह गई, फिर थोड़ा सा मन फिर पुनः मैंने बदल दिया कि मानव जोड़ी सुधारने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा है जो हर मानव का कल्याण होता है, ज्ञान का भंडार है, मानव जोड़ी को सुधारे, और मैंने पुनः शिक्षा का रास्ता अपना लिया। बिल्कुल सर, शिक्षा का जो आपने लगाव था लगाव है वो आज भी एक पहले आपका प्राइमरी स्कूल था, इसके बाद शायद हाई सेकेंडरी सेकेंडरी से लेकर आपने साइंस से आप एक नई फैकल्टी इंग्लिश मीडियम में लेके, और आगे आप मतलब नवाचार के रूप में आप और क्या करना चाहेंगे? देखो मैंने स्वामी जी महाराज के हमेशा गरीब को गणेश माना है,
हाँ मेरे पास हर क्वालिटी के इंसान आते हैं, कोई निम्न वर्ग के, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो मैंने हमेशा ही गरीब की सहायता की है और निम्न श्रेणी की सहायता की है। और काफी गरीब है जो वास्तव में अच्छी शिक्षा पाने चाहते हैं और फीस दे भी नहीं पाते, तो उनको मैंने निःशुल्क सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। आज वो कामयाब है, सरकारी नौकरियों भी है। तो अभी फिलहाल मेरे पास सीनियर स्कूल है, आर्ट है, एग्रीकल्चर है, साइंस है और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों है। आगे देखो क्या। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन और आता है कि आपने जो नृत्य विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश के लिए आपको कोचिंग करवाते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। अब तक आप राजस्थान का, मैंने अभी बताया था कि एक रिकॉर्ड साबित है, क्योंकि हमारे जो रावसर जो ब्लॉक के अंदर एक 20 सीट है, उनमें से लगभग आपका दबदबा रहता है, लगभग 10 से लेकर 15 सीटों के बीच में आपका दबदबा रहता है। तो आपके पास कौन सा कंटेंट है जो आप इतने बच्चों को आप चयन करवा देते हो, या फिर कोई शॉर्टकट है? ऐसा है जी, बता दें, मेहनत हमारी पूंजी है। और ये नवोदय के अंदर जितने भी बच्चे, आज मैं राजस्थान के अंदर लगातार 14-15-16 सालों से एक रिकॉर्ड कायम बना रखा हूँ। राजस्थान की ये पहली संस्था है BBS जो सर्वाधिक बच्चों को नवोदय में चयन करवाते हैं। ये सब मेरे पुत्र मधुसूदन भारद्वाज, इनकी मेहनत, लगन, कोशिश और इनका ही मेन प्रयत्न कोशिश है। और मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती कंचन भारद्वाज, उनकी मेहनत और पुत्र मधुसूदन की मेहनत है, वो रंग लाती है। और आज तक हमने राजस्थान को 15-16 सालों से लगातार ये रिकॉर्ड बरकरार रखा है, ये मेहनत का प्रतिफल है। वाकई सर बहुत काबिल तारीफ है कि आप नीचे तबके के जो बच्चे होते हैं वो आप नवोदय विद्यालय में चयन करवा कर उनके जो सपनों को आप साकार करते हैं। और वो बच्चे आज भी, मुझे पता है कि भी MBBS करके वो डॉक्टर बने हैं या फिर इंजीनियर बने हैं, और कोई अलग अलग फील्ड के अंदर जो आज साइंटिस्ट हैं, कोई पोले लेक्चर है, तो तमाम अपने जो फील्ड के अंदर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपका ही वो आशीष रहा होगा। और अगला जो क्वेश्चन है सर कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु से मानते हैं, जो आपकी जो प्रेरणा आपसे प्रेरणा मिलती है या फिर इसे कोई आप इसे अपना आदर्श मानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को मैं आदर्श मानता हूँ, उनकी जीवनी भी पढ़ता हूँ, उनकी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की काफी जीवनी से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनको आदर्श मानता हूँ। तो बिल्कुल सर, आपकी जो कंटेंट वास्तव में जो आपने जो तैयार किया है वो मुझे अभी आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये BBS एजुकेशन ग्रुप की जो जवान नृत्य विद्यालय कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए सर के द्वारा लगभग 3000 से अधिक की जो प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न सर ने तैयार किए हैं, वाकई में बड़े शानदार ये क्वेश्चन है। और आप भी इसे प्रोवाइड करवा सकते हो सर के नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए, और बिल्कुल ये बड़ी शानदार पुस्तक तैयार की है। अब तक इसके नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे रिकॉर्ड है और सभी बच्चों के अब तक के रिकॉर्ड हैं, 1500 बच्चे हैं पूरे, उसके पास डिटेल्स भी हैं, ऐसी कोई हवाई में बातें नहीं की जा रही। और वाकई में यहाँ पे बड़ी शानदार कंटेंट के साथ वहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो ये अगर आपको पुस्तक चाहिए तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे अवेलेबल करवा दूँगा, वैसे यहाँ पे देखिएगा 94600 और 95595, ये सर के कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप इस बुक को आप खरीद सकते हैं या अन्य माध्यम से आप ले सकते हैं। तो देखिएगा बहुत शानदार पुस्तक है। और अंतिम जो क्वेश्चन रहेगा सर मेरा ये कि आपके हजारों और सैकड़ों स्टूडेंट्स रहे हैं, जो आप बहुत सारे जो छात्र रहे हैं, उनमें से आपके कोई एक प्रिय स्टूडेंट है जो आपको बड़े चाव के साथ वो